इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और भूमि जैसे तत्वों को शरीर में लेकर जन्म लेता है। पांचों तत्वों के बैलेंस को दोष के नाम से जाना जाता है। पांचों तत्वों के कारण हरेक व्यक्ति के शरीर में वात, पीत या फिर कफ जैसे तीन दोष में से किसी एक दोष की हाजिरी होती ही है। दोष के अनुसार उनका शरीर बनता है। तो दोस्तों, आपके शरीर में कौन सा दोष है यह उसके लक्षण से पता चलता है। वात के दोष वाले व्यक्ति का शरीर कैसा संकेत देता है, क्या क्या संकेत देता है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वात प्रकृति वाले लोगों का कद एकदम लंबा या एकदम छोटा होता है। हड्डियों का बंधारण मजबूत नहीं होता है, हड्डियां छोटी रहती हैं। हाथों और पैरों की उंगलियां लंबी और पतली होती हैं। अंगूठा बड़ा होता है। वात प्रकृति वाला बच्चा पतला रहता है। आयु आधी बीत जाए तब वजन बढ़ता है, लेकिन उसमें खूब मेहनत करनी पड़ती है। बाल काले और कपाल छोटा होता है। बाल अक्सर सूखे रहते हैं। आंखों की बात की जाए तो छोटी काली और सक्रिय आंखें होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के दांत ठंडा और गर्म खाने के बारे में सेंसिटिव होते हैं। गर्दन छोटी और अस्थिर रहती है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ पैर ठंडे होते हैं। त्वचा सूखी होने के कारण आसानी से फट जाती है। होंठ भी फटे फटे से रहते हैं। सूखे और ठंडे वातावरण में ऐसे लोग नहीं रह पाते हैं। गर्मी में ठीक तरह से यह लोग रह सकते हैं। वात प्रकृति वाले लोगों की जीभ सूखी और भूरे रंग के कोटिंग वाली होती है। वात प्रकृति वाले लोगों के दिमाग की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही अच्छी होती है। बाद में यह लोग भूल जाते हैं। ऐसे लोगों का विचार बदलना बहुत मुश्किल होता है। आराम किए बिना अच्छी तरह से कामकाज कर सकते हैं। विचार करने की क्षमता सबसे ज्यादा इन लोगों में होती है। ऐसी व्यक्तियां मल्टीटास्कर होती हैं। वात प्रकृति वाले लोग बहुत सारे लोगों से जान पहचान रखते हैं, परंतु दोस्त बहुत कम होते हैं। वात प्रकृति वाले लोगों को भय बहुत लगता है और स्वभाव घबरा जाने वाला होता है। भावनाओं में बार बार बदलाव आता है, इसलिए लोगों को बुरे सपने अक्सर ज्यादा आते रहते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों का शरीर साधारण होता है। हड्डियों का बंधारण भी साधारण कद का देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की उंगलियां और अंगूठे असामान्य नहीं बल्कि अति सामान्य होते हैं। वजन की बात करें तो पूरे शरीर में समान भागों में फैला रहता है। त्वचा उसकी अक्सर गोरी होती है और सन मन की तकलीफ ऐसे लोगों को ज्यादा रहती है। सर के बाल अच्छी तरह से फैले होते हैं। पित्त वाले व्यक्तियों का कपाल साधारण साइज का होता है। कपाल पर रेखाएं अक्सर पड़ती देखने को मिलती हैं। दांत एक समान और देखने लायक होते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों का गला और चिन सामान्य होते हैं। पित्त वाले व्यक्ति के वजन की बात की जाए तो उसका वजन अगर बढ़ भी जाए तो आसानी से उतार भी सकते हैं। त्वचा अक्सर गर्म पाई जाती है। त्वचा तैलीय होती है और पिंपल्स बार बार हो जाते हैं। पित्त वाले लोग गर्मी में ज्यादा समय रह नहीं सकते हैं। उन लोगों की जीभ के ऊपर पीला कोटिंग देखने को मिलता है। कभी कभी यह कोटिंग नारंगी रंग का भी होता है। ऐसी व्यक्तियों की आंतें ढीली होती है, इसलिए डायरिया जैसा लगता रहता है। ऐसे लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो बुखार और सूजन भी इन्हें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बिस्तर पर पीत वाले लोग धमाल मचाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को तीखा, गर्म और नमक वाला फूड ज्यादा अच्छा लगता है। जॉइंट में से दर्द होने की भी फरियाद इन्हें अक्सर रहती है। दिमाग की अगर बात की जाए तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी होती है। अक्सर तर्क वाली दलीलें करते हैं। कामकाज आयोजन करके ही संपन्न करना इन्हें पसंद होता है। ऐसे लोग तुरंत निर्णय ले सकते हैं और भविष्य का साफ साफ विचार भी कर सकते हैं। किसी हेतु के बिना पैसा कभी खर्च नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कफ का दोष किसी व्यक्ति के शरीर में हो तो उनका शरीर सामान्य से थोड़ा मोटा या फिर मोटापे वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों की हड्डियों का स्ट्रक्चर भी भारी भरकम होता है। नितंब और जांघें मांसल होती हैं। हाथ पैर की उंगलियां और अंगूठे छोटे और वर्गाकार में होते हैं। शरीर के ऊपर रोंगटे भी थोड़ी ज्यादा मात्रा में होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की गर्दन
सामान्य से बड़ी और लंबी होती है। कफ के दोष वाले बच्चों के गाल भरे भरे होते हैं। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों का वजन तेजी से बढ़ता है। वजन उतारने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों के होठ चिकने और थोड़े मोटे होते हैं और मसूड़े भी मोटे होते हैं। बालों की अगर बात करें तो बाल गाढ़े, थोड़े तेली और डार्क ब्राउन रंग के देखे जाते हैं। नमी वाले वातावरण में ऐसे लोग नहीं रह पाते हैं या फिर रहना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ठंड बहुत लगती होती है। ऐसे लोगों की जबान मोटी और सफेद परत वाली होती है। किसी ना किसी अंग में दिन में एक बार जोर से खुजली भी जरूर आती है। कफ प्रकृति के लोगों को ब्रेड, पेस्ट्री और मीठी चीजें बहुत बहुत पसंद होती हैं। कफ की प्रकृति वाले लोगों का दिमाग कैसा चलता है, आइए यह भी जानते हैं। ऐसे लोगों को नया सीखने में देर लगती है, परंतु एक बार अगर सीख जाएं तो वह कभी भूलते नहीं हैं। अपना रोजाना कामकाज अच्छी तरह से वे लोग करते हैं। अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो उसमें बहुत देर लगती है, लेकिन जब निर्णय ले लेते हैं तो पीछे हटते भी नहीं है। अपनी सभी प्रवृत्तियां आराम से करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति का सारा दिन उदासी का अनुभव कर रहा हो ऐसा ही दूसरे लोगों को लगता रहता है। स्वभाव में थोड़े बेपरवाह होते हैं। ऐसे व्यक्ति तंग हालात में अपना अभिप्राय देना कम पसंद करती है। इन लोगों का मूड रोमांटिक होता है, छोटे सपने देखते हैं और पानी के सपने इन्हें बार बार आते हैं। तो दोस्तों, इन लक्षणों को पहचानकर आपकी प्रकृति क्या है यह जानने की अवश्य कोशिश करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आपका दिन शुभ रहे।